आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। मंदसौर जिले के शामगढ़ में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भाजपा कार्यकर्ता द्वारा पुतला दहन कर नारेबाजी की गई। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर आरोप लगाए गए कि केंद्र में कमलनाथ जब वाणिज्य कर मंत्री थे तब उनके द्वारा चाइना का फायदा पहुंचाने के लिए चाइना से हाथ मिलाकर 10% से लगाकर 200% उत्पादों पर कर लगाया गया, जिसके कारण भारत के कुटीर उद्योग बंद हो गए थे। इसका लाभ चाइना को मिल रहा था। बीजेपी ने कमलनाथ पर आरोप लगाते हुए कहा कि उस समय कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ वाणिज्य कर मंत्री के पद पर रहकर चाइना को कांग्रेस सरकार में काफी लाभ पहुंचाया है। भाजपा ने आरोप लगाते हुए कमलनाथ ने राहुल गांधी को देश का गद्दार बताते हुए नगर के चौराहे पर कमलनाथ का पुतला जलाते हुए नारेबाजी की। खबर आपकी राजस्थान से, श्रीपाल सिंह देवड़ा की रिपोर्ट। चाइना और चीन का एजेंट बनकर इस देश में काम कर रहे ऐसे देशद्रोहियों का नकाबपोश होना चाहिए और जनता के बीच वो मैसेज जाना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने नीचे तक जाकर चाइना के एजेंट के रूप में कार्य करने वाले कमलनाथ का आज पुतला दहन किया। कमलनाथ नाम ही नहीं है, कलंक नाथ है। देश की जनता इनको समझ चुकी है, इन देशद्रोहियों का पर्दाफाश होगा। ज्ञात हो कि जब वाणिज्य कर मंत्री कमलनाथ जी थे तब देश में 10% से लाकर 200% उत्पादों पर जो भारतीय कुटीर उद्योग थे, जिसमें संभावनाएं भारत की जनता को उत्पादन की थी, उन सबको खत्म करने की नीति से चाइना के साथ हाथ मिलाकर कस्टम ड्यूटी कम करिए। उस कमलनाथ के विरोध में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने मैदान संभालते हुए आज कमलनाथ को मुंहतोड़ जवाब दिया और उसका पुतला दहन किया है। मैं देश की जनता से आने वाले आगामी विधानसभा उपचुनाव में ऐसे देशद्रोही कांग्रेस के राजनीतिक दल को